Hi guys, welcome back to my channel, The Divine Alchemy. So again, a channel message from angels. You know, it's a dream message. मैं देख रही थी कि एक बहुत ही काला रास्ता है और a person was driving the bike, not driving actually, riding the bike and he doesn't know how to ride the bike. He doesn't know anything, okay? तो it's like, you know, और रोड पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे, बहुत ही काला रोड था और ड्राइव कर उसको राइड भी करना नहीं आता है, ठीक है? तो बट व्हाट्स हैपनिंग इज़ दैट, एंड वो जो रोड भी था बहुत ही नैरो भी था, बहुत अप्स एंड डाउन्स था, बहुत ऑब्स्टेकल्स हर्डल्स थे रोड्स में, बहुत कुछ था, ओके? इट वॉज़ नॉट अ वेरी स्मूथ रोड, इट वॉज़ वेरी रफ पैची रोड है, ठीक है? So I don't know, you know, and the wonderful thing is that the person was riding the car and he was riding it very nicely, and it was magical, it was something magical for him. He was not able to understand like how he is riding this bike because he doesn't know how to ride the bike, okay? He was riding it, he was not able to see where to go, how to go, where is the way, which way to take, which direction to take, he doesn't know. But somehow he is just going, okay, he was going and somebody unknown, okay, there was no entity, it was angels were guiding him, assisting him, and it was like, you know, angels are like making him ride the bike, okay. मैं जेंडर हिम बोल रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट लाइक कि मैं हिम बोल रही हूँ, बट टेक इट एज इट रेजोनेट्स, ओके, फ्लिप फ्लॉप द जेंडर्स. तो वो बाइक राइड कर रहा है, उसके बाद उसको यू नो रास्ता दिख रहा है एंड बहुत दूर में कोई है जो उसको रास्ता दिखा भी रहा है, ठीक है? एंजल्स बोल भी रहे और कोई है दूर उसको दिखा रहा है रास्ता. उसके बाद वो रास्ता इधर उधर जाके ना उसको ना फिर से ना एक मेन रास्ता में वो आ जाता है. उसके बाद जो उसको गाइड कर रहा था वो बहुत दूर अचानक से मेन रास्ते में बहुत भीड़ आते ही वो चला जाता है. इट मीन्स दैट एंजल्स आर गाइडिंग यू, ओके, इन दिस रोड वेर यू के नॉट सी, वेन यू डोंट हैव एनी क्लैरिटी, कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको पता नहीं है, तो एंजल्स आर टेलिंग यू टू बी द चार्ज ऑफ योर, टू टेक द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, बी द कैप्टन ऑफ योर ओन शिप, बी द ड्राइवर ऑफ योर ओन कार, ओके, बकल योर सीट बेल्ट एंड ड्राइव योर ओन कार. मे बी यू डोंट नो ड्राइविंग, डजंट मैटर्स, एंजल्स आर गोइंग टू हेल्प यू. यस, यही चैनल मैसेज था. एंजल्स मुझे बोल रहे थे कि इट्स लाइक यू नो यू आर लैकिंग डिरेक्शन, यू डोंट नो विच वे टू गो, यू डोंट हैव द क्लैरिटी, इट्स वेरी मच क्राउडेड, इट्स वेरी मच यू नो श्राउडेड, यू डोंट हैव द क्लैरिटी where to go, which way to take, and you don't know how to drive it because again it was lack of confidence. Previously you always मतलब आपने अपने life का charge किसी और को दे दिया, कोई भी हो सकता है, वो अपने घर वाले हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो, आपके भाई बहन हो, दोस्त हो, partner हो, किसी का कोई भी हो सकता है, उस वो इंसान को अपने अपने life का charge दे दिया है और वो लोग इंसान आपके लाइफ कार को इधर उधर कहीं पे भी लेकर जा रहे हैं और बोल रहे हैं इधर जाना है उधर जाना है, ऐसे करो वैसे करो, और सच में बोलूँ आप बैठे हैं लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि आपको ऐसे कोई भी जगह पे नहीं जाना है जहाँ पे वो लोग लेके जा रहे हैं या जाना चाहते हैं आपको. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू कॉन्ट डू बिकॉज आपको लगता है कि आपको तो ड्राइव करना नहीं आता है तो आप क्या करें. बट एंजल्स आर टेलिंग यू स्टॉप, यू नो कि ये जो फियर है अपने दिमाग से निकाल दो. एंजल्स आर देयर फॉर यू, दे आर गोइंग टू असिस्ट यू, दे आर गोइंग टू, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे आराम से गाड़ी चला लोगे. यस, आप आराम से गाड़ी चला लोगे. इनिशियली जब स्टार्ट करोगे ना, अब मैं फील कर पा रही हूँ, मैं क्योंकि मैंने देखा है उस वक्त मैंने फील किया है, आप जब गाड़ी चला रहे थे, बाइक राइड कर रहे थे, आपको डर लग रहा था लेकिन ना आपका एक दिमाग में है कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा है तो इस टर्न ऐसे लेना है वैसे लेना है, तो आप वैसे ऐसे करके ना कर रहे हो और पता नहीं कैसे कैसे चीज़ें वैसे हो भी जा रही है आपके साथ, आपको पता भी नहीं है, इट्स लाइक दैट. तो आपका मन में जो डर है कि आप गाड़ी नहीं चला पाओगे या ड्राइव नहीं कर पाओगे, तो ये आपके दिमाग का वहम है. एंड ट्रस्ट मी, एंजल्स आर गोइंग टू गाइड यू थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द जर्नी. स्टार्ट ड्राइविंग योर कार,
टेक द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ एंड यू नो यू शुड नॉट सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, यू शुड नॉट आस्क समबडी एल्सेस परमिशन कि मैं कहाँ पे ले जाऊँ, कहाँ पे गाड़ी को लेके जाऊँ। ये अब ज़िंदगी आपकी है, ये ज़िंदगी आपकी गाड़ी है, ज़िंदगी को आपको चलाना है। तो आप अपने ज़िंदगी को कैसे चलाओगे, इसकी ज़िम्मेदारी, इसका डिसीजन आपको खुद को लेना है, किसी और को नहीं। किसी और को ये डिसीजन दोगे लेने के लिए तो वो आपके लिए कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, कभी भी नहीं। ओके, कभी भी नहीं ले पाएगा। और उस वजह से आप दूसरों को ब्लेम भी नहीं कर सकते, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, क्योंकि नहीं, आपको तो एंजल्स ने ज़िंदगी, भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है ना, तो आपको ही गाइड, यू नो, आपको ही वो ज़िंदगी चलानी है। आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने उनको ये पावर दिया है कि चलो भाई मेरी गाड़ी तुम चलाओ, मैं बैठी रहती हूँ, मुझे तो पता नहीं है। तो इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, आपको बुरा लग सकता है, बट दैट इज़ द बिटर ट्रूथ। डिनाइल में जीना छोड़ दो, यू हैव टू टेक द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। ओके, प्लीज़ टेक द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। ये चैनल मैसेज था, एंजल्स की तरह से, यूनिवर्स की तरह से एक ड्रीम मैसेज था जो मैंने डिकोड किया और मैंने आपको अब तक पहुँचाया। प्लीज़ टेक द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। यू फीलिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, स्टॉप फीलिंग, बिकॉज ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, अगेन जो आता है, आप अपने आप में एम्पावर्ड फील नहीं कर रहे हो। क्यों एम्पावर्ड फील नहीं कर रहे हो? आपके अंदर में डर बैठा हुआ है। अपने आप जैसे हो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप दूसरों का वैलिडेशन चाहते हो, तो दूसरों का वैलिडेशन से कुछ नहीं होता है। जब तक आप अपने आप को एम्ब्रेस नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, कभी भी दूसरे आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सोच लो, अगर आप अपने आप को प्यार नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जो भी आपकी ज़िंदगी है अभी, तो दूसरे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, है ना? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, टू एम्ब्रेस योर सेल्फ, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, टेक द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ एंड डू योर ओन थिंग दैट यू वॉन्ट टू डू। डू योर ओन थिंग। दूसरे लोग, बहुत लोग आएंगे, जज करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, डजेंट मैटर्स। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्रिटिसिज्म आपको हमेशा इस ज़िंदगी में मिलता रहेगा, एंड दैट इज़ ऑल्सो गुड, दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। अगर वही चीज़ पे अगर आप अपना फोकस रखोगे तो कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। ओके, दीज आर द टेस्ट ऑफ डिवाइन, कि आप क्या कर पाते हो इस चीज़, क्रिटिसिजम्स के ऊपर आगे बढ़ पाते हो कि नहीं। ओके, तो प्लीज़ टेक द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, एंड वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एंड टेकिंग द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, योर लाइफ इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। ट्रस्ट मी, योर लाइफ इज सून गोइंग टू ट्रांसफॉर्म वंस यू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ। जब ही आप अपने ज़िंदगी का चार्ज ले लोगे ना, आप अलग से एक एम्पावर्ड फील करोगे। इनिशियली थोड़ा सा डर लग सकता है, बट डोंट वरी, एंजल्स आर विथ यू। ओके, एंजल्स आर विथ यू, दे विल गाइड यू, दे योर स्पिरिट गाइड्स आर कॉन्स्टेंटली विथ यू, दे विल गाइड यू थ्रू आउट द जर्नी। इट कैन बी लिटिल बिट मर्की, इट कैन बी लिटिल बिट रफ, पैची। ओके, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, यू नो, थोड़ा सा डर लगे आपको, लेकिन यू विल, मैंने देखा कि इट वॉज ऑल गुड। आपको डर लग रहा है लेकिन आप स्मूथली कर पा रहे हो। उसके बाद एक टाइम आ जाएगा कि जहाँ पे आपको एंजल्स की गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू नो, आप खुद आराम से चल पाओगे। क्योंकि मैंने देखा कि एक टाइम एक जगह पे आया जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हो, वो जगह आपका जाना हुआ है, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, और यू नो दैट पर्सन दैट वॉज गाइडिंग यू, दैट वॉज लाइक आराम से, एकदम अचानक स्पीड से वो कहीं पर भी नहीं है। तो इट वॉज़ अ गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स to assist you. So I hope you got through it. Please guys, take the charge of your own life and please accept yourself, embrace yourself. आप जब भी अपने आप को एम्ब्रेस करोगे तभी आप एम्पावर्ड फील करोगे। So love and light to you guys. Take care of yourself. Bye-bye.